नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली के डेली वीडियो लाता रहता हूं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH की अटैक वर्जन के प्रदर्शन से प्रभावित होकर भारतीय वायुसेना IAF हिमालय और पश्चिमी मोर्चे पर रेगिस्तान क्षेत्र में उच्च ऊँचाई वाले अभियानों के लिए ऐसे और हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। यह हेलीकॉप्टर ध्रुव Mark IV का वर्जन है, जिसे रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध में किया गया था। IAF के पास फिलहाल 14 से 16 काफ्टर का एक स्क्वाड्रन है और वो कम से कम 3 और स्क्वाड्रन प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर को अधिक ऊंचाई के लिए इसमें शक्ति इंजन लगाया गया है। शक्ति इंजन को फ्रांस के सफरान और भारत के HAL ने मिलकर डेवलप किया हुआ है। आपको बताता चलूं, ये हेलीकॉप्टर 20,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। हथियारों की बात करें तो इसमें 20 mm बुर्ज गन, 70 mm रॉकेट पॉट और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल शामिल है। उम्मीद यह है कि यह हेलीकॉप्टर नई बनी टैंक रोधी मिसाइल हेलना से भी लैस हो जाएगी। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एंटी टैंक डिस्ट्रॉय और जमीनी सैनिकों के लिए नज़दीकी हवाई सहायता के लिए किया जा सकता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5500 केजी है और यह 2600 केजी का पेलोड ले जा सकता है। रुद्र हेलीकॉप्टर मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से लैस है। रुद्र हेलीकॉप्टर 20,000 फीट ऊंचाई उड़ने में सक्षम है और इस हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।